विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी बुधवार को उदयपुर पहुंचे। यहां डॉक्टर जोशी ने बायोलॉजिकल पार्क में ऑर्यूमेंटेड रियलिटी ऐप का लोकार्पण किया, साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में भी शिरकत की। डॉक्टर जोशी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने की बात कही। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर इसका संरक्षण करना होगा ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण दिवस सबको मुबारक। पर्यावरण दिवस पर नौजवान पीढ़ी को खास तौर से जागरूक होने की आवश्यकता है कि प्रकृति में जितना असंतुलन हुआ है उसके कारण आज समस्याएं बहुत खड़ी हो गई है। ये केवल समस्या देश की नहीं, विदेश की, सारे संपूर्ण विश्व की समस्या है। आशा करते हैं कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो असंतुलन है वो कम होगा। मुझे यहाँ आकर आज प्रसन्नता इस बात की भी है कि टेक्नोलॉजी का इन्होंने संबंध जोड़ा, एक रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप उन्होंने बनाया जिसके माध्यम से एनिमल के बारे में जो भी वहाँ पर देखने के लिए आएगा उसको जानकारी विस्तृत उपलब्ध हो सकेगी। तो टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध इससे हम जोड़ सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और उस जानकारी का लाभ उठाकर पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो जागरूक हो सकें, ये एक अच्छा